रोड पे छह पानी लानी जा रही है और परेशानी रही है, हम लोग 3 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं। कौन सी सुविधा है बताइए, इतना लाने में सुविधा है कोई? ये गांव में हमारे सरकार एकदम अंधा हो गई लोगों सर। वाराणसी में विकास और सुविधा के नाम पर प्रशासन अव्यवहारिक आदेश निकालने में पीछे नहीं रहता, लेकिन आदेश लागू होने के बाद आम जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसकी कोई भी जानकारी प्रशासन नहीं लेता। तपती धूप है, एक ड्राइवर है, अभी आप सामने देखेंगे काफी समय से लोग बैठे हैं, एक नाव पे 4 डेड बॉडी है और लोग इस चिलचिलाती धूप में तप रहे हैं। एक तो उनके अपने गुजरे हैं, एक सदमे में है, उनको दुख है, तकलीफ है, दूसरे पे ये प्रशासन की बेढंगा नीति जो है उससे भी परेशान हो रहे हैं। पिछले दिनों वाराणसी प्रशासन ने मैदागिन से मणिकर्णिका तक गली से कंधे पर ले जाने वाली शव यात्रा पर रोक लगा दी। मैदागिन से होके जाते थे तो वहाँ पे लोग आते थे, पहले से वहाँ पे पार्किंग वगैरह की सुविधा अच्छी थी, वहाँ से गाड़ी खड़ी करके लोग निकल जाते थे। अभी जब नई व्यवस्था हुई तो नई व्यवस्था में थोड़ा सा रोड का ट्रैफिक जो है मेन हाईवे से यहाँ तक भैंसासुर घाट तक पहुँचने के लिए रास्ता बहुत कंजस्टेड है। जहाँ राजघाट से मणिकर्णिका तक 3 किलोमीटर की दूरी नाव से तय करनी होगी, जबकि मैदागिन से मणिकर्णिका घाट की दूरी महज 1.5 से 2 किलोमीटर है। ये जो काशी में मणिकर्णिका घाट जाने वाले लोग हैं जो बाहर से आते हैं अपने परिजनों का शव जलाने के लिए, और कुछ दिनों पहले अभी नगर प्रशासन ने ये जो जगह है मैदागिन, ये चौराहा आप देख रहे हैं, यहीं पे लोग आते थे और यहाँ से उनके वाहन से शव लेके आते थे और पैदल यहाँ से मणिकर्णिका जो कि 500 मीटर दूर है मणिकर्णिका घाट वहाँ तक जाते थे, लेकिन अभी प्रशासन ने उसको रोक दिया है। नए आदेश के अनुसार शव वाहनों को भैंसासुर घाट ले जाना होगा। जो शव लेके आते हैं काशी में जलाने के लिए तो वो यहाँ से आप देखेंगे सीधा रास्ता जाता है राजघाट के लिए, तो यहाँ पे आने वाले शव की गाड़ी मोड़ दी जाती है और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर राजघाट पे शव लेके जाते हैं और वहाँ पे एक शव वाहिनी है उसके द्वारा लोग वापस मणिकर्णिका पे आते हैं। गाँव के लोग की टीम जब रिपोर्टिंग करने पहुँची तब वहाँ 1 घंटे में तकरीबन 18 से 20 शव आए और शव ले जाने के लिए NDRF की 3 नाव ही तैनात थी, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुविधा है, कौन सी सुविधा है बताइए, इतना लाने में सुविधा है कोई? ये गांव में मर रहे हैं धूप में और अच्छा है बीजेपी तो चाह रही कौन है सरकार, कहां को पता चल रहा है। यहाँ लोगों को पहली नाव के लिए 4-5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा और दूसरा शव के साथ आए परिवार के लोगों को नाव में बैठाने की समस्या आई। एक बोट पे छह पानी लादी जा रही है और परेशानी रही है, हम लोग 3 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसके बाद टैक्स वसूलने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि अंतिम संस्कार में परिवार के कम से कम 25-30 लोग शामिल रहते हैं, शव के साथ एक नाव में मात्र 6 लोगों को ही बैठने की अनुमति दी जा रही थी। ये नियम गलत है, 6 नहीं रखना चाहिए, 100 के साथ जितने लोग आते हैं सबको बैठाना चाहिए, सारे लोग कहाँ जाएंगे, फिर कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, करना चाहिए नहीं तो मैं एक नाव पे पूरा 100 आदमी है बेचारा पार्टी ले जाएगा अपने कैसे जाएगा, ये तो असुविधा है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, उस घाट में ना पीने की पानी की व्यवस्था है ना ही बैठने की। इतनी परेशानी हो रही है, 3-3 घंटे जो है नाम लिखा के घाट पे धूप पे खड़ा होना पड़ रहा है और एक-एक बोट में 3-3 जो है चार-चार पानी। इतना ही नहीं, NDRF की निगरानी में चल रही व्यवस्था में बिना लाइफ जैकेट के नाव पर लोगों को बैठाया जा रहा था। क्या नाव पर बैठने वालों के लिए लाइफ जैकेट का कोई प्रावधान नहीं है? और लाइफ जैकेट भी नहीं है किसी के पास, ना टिकट भी नहीं किसी के पास, जबकि किसी भी प्राइवेट नाविक द्वारा बिना लाइफ जैकेट के नाव संचालन पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, उनका चलान कर दिया जाता है अगर उनकी नाव पे लाइफ जैकेट नहीं होता। सवाल ये है कि नियम बनाने वाले खुद नियम की अनदेखी कर रहे हैं। ये प्रशासन जो खुद नियमों को तोड़ रहा है, एक भी लाइफ जैकेट नहीं है इस नाव पे।
जब शववाहिनी के संचालक से हमारे रिपोर्टर ने बात करनी चाही तो पता चला कि शव बोट एक गुजराती संस्था मेहता फाउंडेशन की है, जिसे नगर निगम को सौंप दिया गया है और इसका संचालन NDRF कर रही है। NDRF के लोगों से बात की तो उन्होंने जानकारी ना होने की बात करते हुए कहा कि हम केवल नाव का संचालन करते हैं, इसके लिए आप अधिकारी से बात करें। इसको लेके हमने कल बात किया था NDRF के लोगों से जो सवानी का संचालन कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ संचालन की जिम्मेदारी गई है, अतिरिक्त व्यवस्था के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उच्च अधिकारियों से बात करिए। राजघाट भैंसासुर घाट पर्यटकों की भीड़ से भरा रहता है, एक तरफ बस रहती है और दूसरी तरफ पर्यटकों की भीड़ रहती है। अब एक तरफ शव वाहनों की लंबी कतार भी लगेगी। पीछे जो रास्ता है वो रास्ता देखेंगे मणिकर्णिका घाट को सीधा जाता है और यहाँ आने के बाद उनको वापस राजघाट की तरफ मोड़ा जाता है। टीम की जानकारी के अनुसार NDRF ने 42 शवों को भेजा। नाव की कमी के कारण एक नाव से तीन तीन शव ले जाए जा रहे थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि शाम के बाद ये सुविधा बंद हो जाएगी, तब लोगों में अफरा तफरी मच गई। परिवार के सदस्य की मौत के बाद जहां लोग मानसिक रूप से दुखी रहते हैं, वहीं प्रशासन द्वारा बनाए गए इन नियमों से लोगों को दूसरा कष्ट उठाना पड़ रहा है। अब धूप में खड़े हैं, ऐसे थोड़ा सा एक दो बोट जो ये सिंगल बोट चक्कर लगा रही है, वो दो या तीन बोट हो। तीन तो अभी है, अभी तो सिंगल ही चल रहा है ना। जैसे हम लोग आए हैं, आधा घंटा से हम लोग वेट कर रहे हैं, किसी को बैठने की जगह नहीं है, धूप में एक घाट के किनारे खड़े हैं। मोक्ष की नगरी काशी में अंतिम समय में भी लोगों को मोक्ष के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कैमरामैन श्याम सुंदर पासवान के साथ भैंसासुर घाट से हरिश्चंद्र की रिपोर्ट।